hello dear students how are you i hope you are fine you are most welcome in online classes divine public senior secondary school maharajganj students this is sir, and today we are going to start a very important chapter in economics and the chapter name is development students before starting this chapter we should understand the definition of development okay let's start the definition of development development is a process that creates growth progress positive change or the addition of physical economic environmental social and demographic components the international agenda began to focus on the development in the second half of the 12th century and second definition of development development is the process इन विच समथिंग ग्रोज बिकम मोर मेच्योर एंड एडवांस यानी किसी भी चीज़ का ग्रो होना या पहले से एडवांस होना या पहले से और मेच्योर होना ही क्या होता है डेवलपमेंट होता है ओके टूं लेट्स कम टू द पॉइंट द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बिन विथ अर्स विकास अथवा प्रगत की धारणा हमेशा हमारे साथ रही है वी हैव एस्परेशन और डिज़ायर अबाउट

इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं क्या और अधिक समानता हो सकती है विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है यह काम जटिल है या इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे ओके स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पॉइंट वाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट कोल्स यानि विभिन्न प्रकार के लोगों का विभिन्न प्रकार का लक्ष्य होता है विकास पाने का ओके स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट पीपल सिक थिंग्स दैट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम दैट इज दैट विच कैन फुलफिल देअर एस्परेशन और डिजायर सेकेंड इनफैक्ट एट टाइम टू पर्सन आर ग्रुपन मे सिक थिंग्स विच आर कन्फिक्ट थर्ड सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स वाट मे बी डेवलप फॉर वन मे नॉट बी डेवलप फॉर द अदर्स इट मे इवेंट बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स ओके स्टूडेंट्स इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन यानी इसमें कई सारी चीज़ हैं इसमें लैंडलेस रूरल्स लेबरर्स भी हैं जिनका डेवलपमेंट गोल्स क्या है जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर होते हैं यानी उनको मोर डेज ऑफ वर्क चाहिए सेकेंड है बेटर वैक्स चाहिए थर्ड है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी चाहिए यानी जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर होते हैं उनको काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्राप्त कराएं, कोई सामाजिक भेदभाव ना हो उनके साथ गांव में वो नेता भी बन सकें ये ऐसा उनका क्या होता है लक्ष्य होता है डेवलपमेंट का अब सेकंड है रिच फार्मर यानी जो धनी किसान होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है डेवलपमेंट का लो प्राइस फूड ग्रेन्स चीप लेबर हायर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस चीप इनपुट लाइक सीड्स मशीनरी एक्स्ट्रा यानी सस्ते दाम में उनको लेबर चाहिए और उनका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उनका जो हायर रेट चाहिए उनको ज़्यादा ज़्यादा कीमत चाहिए चीप इनपुट लाइक सीड्स और जो भी उनको सीड्स चाहिए मशीनरी चाहिए उनके दाम सस्ते होने चाहिए उसके बाद होता है ट्रेडर्स ट्रेडर्स के मतलब होते हैं व्यापारी 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 किस तरह अपना लक्ष्य देखते हैं विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी यानी पूरा वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को चाहते हैं लेस टैक्सेस प्रत्येक व्यापारी चाहता है कि उसको टैक्स से बचत मिले तीसरा है चीप लेबर रिच फार्मर के ही तरह ट्रेडर्स को भी चीप लेबर चाहिए और हायर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्शन यानी जितने भी ट्रेडर्स होते हैं यानी व्यापारी होते हैं वो भी अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पाना चाहते हैं उसके बाद हम बात करते हैं गर्ल यानी एक लड़की का कौन सा लक्ष्य अच्छा है विकास का एज मच एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर्स यानी जो लड़की होती है वो भी चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता और अपने भाई की तरह समान अवसर को चाहती है वो शेयर इन पेरेंटल प्रॉपर्टी लड़कियों का भी एक उद्देश्य होता है कि वो अपने माँ बाप के मतलब प्रॉपर्टी को शेयर करें उसके बाद है बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी लड़कियों का भी यही डेवलपमेंट का एक डेस्टिनेशन होता है कि वो भी एजुकेशनल फैसिलिटी को पाएँ अब उसके बाद हम बात करते हैं ए रूरल वीमैन यानी गांव की जो महिलाएं होती हैं उनका क्या डेस्टिनेशन होता है डेवलपमेंट का बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उनको भी आर्थिक समानताएँ अवसर मिले इक्वल वर्क फॉर इक्वल वर्कस यानी समान कार्य के लिए उनको भी समान वेतन मिले ऐसा नहीं है कि पुरुषों को 500 मिले तो उनको 300 मिले यानी इक्वल वेक फॉर इक्वल वर्क ये किसका डेस्टिनेशन होता है ये एक गांव की महिला का डेस्टिनेशन होता है उसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट यानी जो उद्योगपति होते हैं उनका क्या डेस्टिनेशन होता है डेवलपमेंट का पहला है उनका बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं सेकेंड है लो टैक्सेस यानी वो भी ज़्यादा कम से कम टैक्स को देना चाहते हैं उसके बाद है चीप लेबर चीप लेबर का मतलब होता है कि सस्ते दाम में उनको मजदूर चाहिए ओके okay स्टूडेंट्स तो ये हो गया डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स यानी उनके विभिन्न प्रकार के लोगों का विभिन्न प्रकार का लक्ष्य होता है डेवलपमेंट पाने का उसके बाद हम बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स यानी इनकम के अलावा और कौन कौन से गोल होता है उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे वाट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क बेटर वैक्स एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट दैट दे प्रोड्यूस In other words, they want more income. Second point, people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect for others. Third point, in some cases, these may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live. Money are material things that one can buy with it, it one of the Factors on which our life depends on non material things mentioned above. Fifth point is here there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. These are often ignored. Sixth point is here, however, it would be wrong to conclude that what cannot be measured is not important.

अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिलें दूसरे शब्दों में वे ज़्यादा आय चाहते हैं किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार स्वतंत्रता सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती हैं यानी द्रव्य उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक हैं जिस पर हमारा जीवन निर्भर है लेकिन हमारा बेहद जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर निर्भर करता है अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है इनकी प्राय उपेक्षा कर दी जाती है लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रह सकता है ओके okay, स्टूडेंट्स आज का टॉपिक इतना ही बस इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर, करेंगे ओके एवरी वन नाउ थैंक यू Good night.